पुलवामा हमले के 12 दिन बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को सबक सिखा ही दिया, जिसके बाद पाकिस्तान ने भारत को धमकी दी है कि वो इसका बदला जरूर लेगा। हद से हद मान ले कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालात बनते हैं तो पाकिस्तान भारत के आगे कितना टिक पाएगा। तो आइए आपको दोनों देशों की सैन्य ताकतों के बारे में विस्तार से रूबरू कराते हैं। सबसे पहले बात करते हैं थल सेना के बारे में। थल सेना IISS यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज के मुताबिक भारत के पास 14 लाख सैनिक है। इसके अलावा भारत के पास 9719 तोपे, 3563 युद्ध टैंक, 3100 इन्फेंट्री लड़ाकू विमान, 336 सशस्त्र पर्सनल कैरियर्स हैं। मिसाइलों की बात करें तो हिंदुस्तान के पास 9 तरह के ऑपरेशनल मिसाइल्स हैं, जिसमें अग्नि 3 भी शामिल है, साथ ही ब्रह्मोस की मजबूत ताकत है। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास फकत 5.6 लाख सैनिक, 1605 सशस्त्र पर्सनल कैरियर्स, 4472 तोपे हैं। CSIS के मुताबिक चीन की मदद से पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में छोटी और मध्यम दूरी के हथियार हैं। शाहीन 2 पाकिस्तान की सबसे ज्यादा रेंज यानी 2000 किलोमीटर वाली मिसाइल है। अब बात करते हैं वायुसेना के बारे में। भारत की वायुसेना पाकिस्तान की वायुसेना के मुकाबले कई गुना मजबूत है। भारत के पास 814 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। भारत की वायुसेना का संख्या बल 1,27,200 है, जो कि काफी मजबूत है। वहीं पाकिस्तान के पास 425 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, यानी भारत की तुलना में आधे एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें चीनी F-7PG और अमेरिकी F-16 फाइटिंग फैल्टन जेट्स भी शामिल हैं। अब बात करते हैं जल सेना के बारे में। भारत के पास पानी में भी पाकिस्तान को पछाड़ने की पूरी ताकत है। भारतीय नेवी के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर, 16 सबमरीन्स, 13 फ्रिगेट्स, 106 पेट्रोल और कोस्टल कॉम्बैट जहाज हैं। नेवी के पास 67,700 जवानों का दस्ता है, जिसमें मरीन्स और नेवल एविएशन स्टाफ भी शामिल है। वहीं पाकिस्तान के पास सिर्फ 9 फ्रिगेट्स, 8 सबमरीन्स और 17 पेट्रोल और कोस्टल जहाज हैं। भारत की परमाणु ताकत SIPRI के मुताबिक भारत के पास 130 से 140 परमाणु बम हैं। वहीं पाकिस्तान के पास 140 से 150 परमाणु बम हैं। इस तरह दोनों ही देशों के पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन ये ताकत परमाणु बम इस्तेमाल करने से पहले दोनों देशों को कई बार सोचना पड़ेगा। वहीं कुल मिलाकर जल थल और वायु सैन्य ताकतों में हिंदुस्तान पाकिस्तान से कई गुना मजबूत है। ऐसे में अगर जंग हुई तो पाकिस्तान का पस्त होना 100% तय है। खबर अपडेट की रिपोर्ट।